ये वो तस्वीर है जो आपके रोंगटे खड़ी कर सकती है। जी हाँ, हैदराबाद से खबर सामने आई जहां पर 3 लोगों की मौत पानी में डूबने के चलते हो गई। एक शख्स था, उसकी 2 सालियां थी। बड़ी बात ये कि जो वीडियो बना रही थी वो खुद उस शख्स की पत्नी थी। ये अफरा तफरी क्यों है? ये मातम किस लिए है? इस चीख चिल्लाहट की वजह क्या है? इन तीनों सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन इससे पहले इस तस्वीर को आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। पारा चढ़ा हुआ था, गर्मी शबाब पर थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, साथ ही छाया था मस्ती का सुरूर। और इसी सुरूर में ये 2 युवतियां और एक युवक एक दूसरे पर पानी फेंक कर गर्मी के एहसास को कम करने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही कोशिश थी माहौल को मस्ती और मनोरंजन से भरने की। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों युवतियां और युवक पानी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये मस्ती इन तीनों की जान पर भारी पड़ जाएगी। ये ना तो इन तीनों ने सोचा होगा और ना ही किसी और ने। इन तीनों के साथ कोई और भी था जो उस वक्त इनका वीडियो बना रहा था। इस मस्ती के दौरान दोनों युवतियां युवक को पानी में गिराने की कोशिश करती है। एक युवती युवक का पैर पकड़कर उसे पानी में गिरा रही होती है। युवक अपना संतुलन खो बैठता है और दोनों युवतियों को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों युवतियों के साथ गहरे पानी की ओर बढ़ता हुआ गिर जाता है और अचानक तीनों डूबने लगते हैं, जिसके बाद मजाक मस्ती और मनोरंजन से भरा ये माहौल मातम में तब्दील हो जाता है। चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तीन जिंदगियां डूब रही थी, मौत की तस्वीर कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। महज 26 सेकंड की यह मस्ती मातम का रूप ले चुकी थी। ये दर्दनाक घटना हैदराबाद के जनगांव की है, जहां अविनाश, संगीता और सुमालता की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अविनाश छुट्टी पर जनगांव आया था और वो अपनी पत्नी और उसकी 2 चचेरी बहनों के साथ बोमाकुरू पहुंचे, जहां ये लोग झील में उतरकर मौज मस्ती करने लगे। इस दौरान यही हादसा हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त अविनाश की पत्नी दिव्या वहां मौजूद थी, जो उन तीनों की मौज मस्ती को कैमरे में कैद कर रही थी। वाकई ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं।